हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी। ओके, तो देखिए हम लोगों ने क्लास 12th मैक्स 2 का चैप्टर नंबर 5 तक पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक पूरे सॉल्व किए। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप बोलेंगे भैया आप 7 वाला क्यों चालू करें, 6 क्यों नहीं करें। देखिए जो चैप्टर नंबर 7 थे थोड़ा सा बाकी कंपेयर में ईजी भी है और छोटा भी है। यहाँ से आपको 5 मार्क के क्वेश्चन चाहिए। कहाँ से कितने मार्क के हैं? 5 मार्क के, विथ ऑप्शन 7 भी आ सकते हो। ओके, 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे दो एक्सरसाइज है, 7.1 और 7.2। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। ओके, और इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखें। 7.1 में 16 क्वेश्चन है, 7.2 में 10 क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे 8th वाला लेसन। यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक ही एक्सरसाइज है, 8.1। ओके, तो ये छोटे छोटे एक्सरसाइज हमारा जल्दी हो जाएगा। फिर बचेगा एक लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो 6 वाला लेसन है वो हमको बाद में कर लेंगे आराम से। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 7th वाला थोड़ा इजी है, जो आपने 10th में 11th में सीखा सिर्फ उसी के बेस पे थोड़ा सा बढ़ा दिया, बस बहुत इजी है और स्कोरिंग के लिए भी अच्छा है कि आपका यहाँ पे पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप देख लीजिए ना, 16 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, यानी 26 क्वेश्चन में से आपका 5 मार्क का सम्स बनता है। ओके, 5 to 7 मार्क्स। लेकिन बाकी देख लो, इंटीग्रेशन देख रहे थे, डेरिवेटिव देख, उसमें कितने क्वेश्चन है, 50, 100, 180 क्वेश्चन है। उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही कम है। जब आप डेरिवेटिव कर लिए हो, इंटीग्रेशन कर लिए, उसके एप्लीकेशन कर लिए, तो ये आपके लिए क्या है, बहुत ही चिंदी सा है। आप इसको आराम से हंसते हंसते 2 से 3 दिन में क्या कर सकते हो, अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये थोड़ा इजी है, इसके लिए मैं ये वाला चैप्टर लेके आया हूँ। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब हिंदी में बोलते संभावना, संभावना या तो संभाव्यता या तो प्रायिकता, ये 3-4 नाम है इसके। ओके, प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना, संभाव्यता, प्रायिकता। और एक को बताऊं, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांसेस। इसका मतलब क्या होता है, चांसेस, चांसेस। अब बोलेंगे चांसेस मीन्स क्या होता है, तो देखिए जब भी कोई मैच होता है, नॉर्मल हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, मैच होता है ना, तो कॉइन को ऐसे टॉस करते हैं, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो मे बी हेड आ सकता है या तो मे बी टेल आ सकता है। तो यही तो चांसेस है ना, चांसेस है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये जो आने के चांसेस है उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। बोलते ना कि प्रोबेबिलिटी है बारिश हो सकती है आज, प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं मैथ्स में थोड़ा सा वीक हूँ, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, या तो मैं फिजिक्स में वीक हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी देता है ना, सोचते यार मेरा ऐसा हो रहा है। या तो अभी समझो कि अभी जस्ट मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल, तो प्रोबेबिलिटी ये थी कि इंडिया जीतेगी, और ऑस्ट्रेलिया वाले सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीतेंगे, इंडिया वाले सोच रहे थे इंडिया जीतेंगे। तो हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, मे बी ये हो सकता है, यही इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, बाकी जो भी हो जाए बाकी बातें। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, चांसेस, या तो उधर या तो इधर, या तो हेड या तो टेल, उसी को बोलते हैं संभावना, संभाव्यता, प्रायिकता। ओके, ये क्लास 10th में एक चैप्टर था, 11th में भी आपको। ओके, और ये 12th में हम लोग सेम चीज सीखने वाले, तो मैं आपको एकदम पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखिए जो हमारा 10th में था, समझो वहां पे बोल दिया है कि टू कॉइंस आर टॉस, टू कॉइंस आर टॉस। जब टू कॉइन टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस कुछ ऐसा बनता था, एच 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 टी टी एच टी टी। अब ये कैसे बनता था, मैंने आपको बताया था कि देखिए एक फॉर्मूला था 2 raised to n, जितने कॉइन टॉस करेंगे पावर में उतना आएगा। समझो मैंने 1 कॉइन टॉस किया तो क्या आएगा, 2 के पावर में 1, यानी कि 2 आता है, यानी कि 1 head और 1 tail। अगर मैंने 2 कॉइन टॉस किया तो 2 के पावर में 2 आएगा, मीन्स क्या, 2 के पावर में 2 आ गया, यानी कि 2 to 4, यानी कि क्या होगा, देखिए इसमें लिखेंगे 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, इस तरीके देखिए बन गया है। और यही अगर जो इसके 3 times उसको टॉस किया, एक ही कॉइन को मैंने 3 times टॉस किया, तो 3 कॉइन को साथ में टॉस किया, तो ये हो जाएगा इसके पावर में 2 के पावर में 3, है ना, 2 2 4 2 8 आता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 4 times head लेंगे, 4 times tail लेंगे। ओके, लाइक दैट, देखिए बताता हूँ मैं करके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 4 4 बार हो गया, अब 2 2 बार, एच एच टी टी एच एच टी टी, अब एक एक बार एच टी एच टी एच टी एच टी।
इस तरीके से करना है ओके। इफ अगर जो बोला कि एक कॉइन को फोर टाइम्स टॉस करो तो कितना जाएगा, टू के पावर में फोर, तो टू टू जा फोर टू जाए टू जा 16 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपका एट टाइम हेड होगा और एट टाइम टेल होगा, फिर फोर टाइम्स हेड फोर टाइम्स टेल, फिर टू टाइम्स हेड टू टाइम्स टेल, फिर वन टाइम हेड वन टाइम टेल, इस तरीके से करके आपको ऐसा सैंपल स्पेस बनाना है ओके। तो ये एक फॉर्मूला है टू रेस टू एन, जितने टाइम्स आप कॉइन को टॉस करेंगे उस हिसाब से क्या होगा आपका हेड टेल बनेगा ओके। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, बन गया ओके। तो एक इवेंट इसमें रहता था कि इवेंट ए ऐसा रहता है, नंबर ऑफ हेड्स, या तो जो आने वाला क्या होना चाहिए, हेड्स, पॉसिबिलिटीज ऑफ हेड्स। तो हेड्स आने के चांसेस कितने, ध्यान से देखिए, जीरो भी हेड आ सकता है, वन हेड आ सकता है और टू हेड आ सकता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या, एक यहाँ पे टेल है ना, देखिए यहाँ पे कितना हेड है, दो हेड है तो दो ले लिया, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है तो हेड ले लिया, यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, यानी कि जीरो भी हेड आ सकता है, वन टाइम्स भी हेड आ सकता है और टू टाइम्स भी हेड आ सकता है ओके। तो यहाँ पे देखिए अब जो ये इसको है, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स आई, कुछ भी मान लीजिए ना, अब चलेगा, इसको मैं पी आई मान लेता हूँ। तो देखिए अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी है ये जीरो टाइम्स हेड आने के कितना चांसेस है, कितना चांसेस है। तो हम लोग टेंथ में क्या करते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ एस ओके। इसका नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, ध्यान देखिए, वन टू थ्री फोर, नंबर ऑफ एस आपका फोर हो गया है ओके। और जीरो आने के चांसेस कितना, वन है ना, तो यहाँ पे ऐसा लिखते थे हम लोग एच एच लिखते थे, तो ये आपका ए इज इक्वल टू कितना होता, तो वन होता था। तो इसका चांस कितना है, वन, तो वन बाय फोर। वन आने के चांसेस कितना, वन टू, तो टू बाय फोर। टू आने के चांसेस कितना है, तो टू बार एक ही बार आने चाहिए, तो होता वन बाय फोर, ये हो गया। तो ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं टेंथ में सॉल्व करते थे, इस फॉर्मूले में रखे, देखिए यहाँ पे वन हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ एस कितना है आपका, फोर है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते थे, ये आप क्लास टेंथ में करते थे ओके। बट क्लास इलेवेंथ में और ट्वेल्थ में हमको क्या करना है, ये चीजों को यहाँ पे दिखाना नहीं है, ये हमको माइंड में करना है, ये तो इसको रफ में करना है ओके। ये डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है ना, ये बोला ये जो प्रोबेबिलिटी मैंने निकाला यहाँ पे आपको डायरेक्ट निकालना पड़ेगा ओके। ये हो गया है, ये आपका क्या है क्लास टेंथ में ऐसा इस तरीके से हम लोग सीखे थे ओके। तो ये मैंने क्लास टेंथ का थोड़ा सा रिवाइंड करवा दिया हूँ। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो मेन बेसिक चीज इसमें क्या क्या यूज होता है। देखिए अब बेसिक्स पे आ जाते हैं, ये क्लास इलेवंथ का बेसिक है ओके। इलेवंथ ट्वेल्थ सब मिक्स करके मैं बता रहा हूँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पे बोल दिया कि टू क्वाइंस आर टॉस, तो एच 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 टी टी एच टी टी, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में ऐसे किया मैंने, तो उसमें कुछ भी एक्सपेरिमेंट आ सकता है कुछ भी आ सकता है ना, हमको पता नहीं है, एक्सपेरिमेंट में कुछ भी आ सकता है, हेड आई टेल है, कुछ भी आ सकता है, वो आपका क्या होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। टू कॉइन को टॉस किया, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जो पास होता है ना डाई, डी आई ई डाई, और बहुत सारे तो डाइस, सिंगल है तो डाई, और मोर देन वन है तो क्या होगा डाइस। तो अगर डाइस को थ्रो किया आपने तो उसके भी क्या करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, कुछ भी आ सकता है, वन टू सिक्स ओके। ये हो गया, थ्री कॉइन को टॉस किया तो भी हो सकता है। फिर हमने देखा था कार्ड्स वगैरह वाला, उसमें भी रहता है वन टू फिफ्टी फिफ्टी टू जो रहते हैं ओके। तो ये हो गया आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, कुछ भी हो सकता है ओके। हेड टेल कर सकते, कुछ भी कर सकते। फिर आते आउटकम्स। अब मैंने क्या किया डाइस को, या तो मैंने क्या किया टू कॉइंस को मैंने टॉस किया, तो कुछ ना कुछ तो आउटकम्स आएंगे हाँ, कुछ ना कुछ तो आउटकम। तो ये समझो क्या आ रहा है, ये सब देखो, ये जो आपका ऐसा समझो है, ये हेड और टेल क्या आ गया, ये आपके आउटकम्स होंगे। जब मैंने क्या किया कॉइन को टॉस किया ओके, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, जो भी आपका आएगा वो क्या रहता है आपका आउटकम्स रहते हैं। क्या रहता है, जो भी आपका वैल्यू आएंगे टॉस किया है कॉइन को, तो या तो हेड आए या तो टेल आए, वो आपका क्या है आउटकम्स है ओके। तो ये हो गया आउटकम। फिर सैंपल स्पेस क्या होता है, जो भी पूरा आएगा उसको एक साथ लिख दो, जिसमें कि मैंने यहाँ पे लिख दिया टू कॉइंस और टॉस, तो ये जो आ गया ना ये आपका आउटकम है, लेकिन इसी को हम लोग सैंपल स्पेस बोल सकते हैं, पूरा पूरा हाँ पूरा। तो देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे तो नॉन फेवरेबल हो, सब यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल स्पेस मीन क्या होता है कि कॉइंस टॉस कीजिए, या तो मैंने वन डाइस को थ्रो किया, तो वन डाइस का सिंपल स्पेस क्या जाएगा, वन टू सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लाइक दैट हो जाएगा ओके। तो ये इसका सिंपल स्पेस हो गया। फिर आता है इवेंट्स।
तो सिंपल स्पेस के बाद कुछ इवेंट्स रहते हैं, जैसे में कि मैंने इवेंट ए ले लिया, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इवेंट ए में चाहिए मुझे ऑड नंबर, या तो मैं इवेंट नंबर लेता हूँ, इवेंट नंबर्स। तो आपका इवेंट नंबर्स का जो ये आएगा, देखिए कितना था आउटकम, इवेंट नंबर कितना, 1 2 3 है ना, तो 2 4 6 ये आपका क्या हो गया, ये आपका देखिए ये आपका क्या है, इवेंट है। मतलब कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, या तो ऑड बोल देगा, इवेंट बोल देगा, प्राइम नंबर बोल देगा, को प्राइम नंबर इसमें रहा, तो अगर इसमें बोल देगा तो बोलेगा कि जो आने वाला हो हेड होना चाहिए या तो टेल होना चाहिए, मोर देन वन होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए, मिनिमम वन हेड होना चाहिए, मैक्सिमम वन हेड होना चाहिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, फिर ए भी उन तो हो गया। फिर आता है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछा उसी का आंसर, जैसे में कि यहाँ पे पूछा गया है कि मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ इवन चाहिए, सॉरी इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर जो आपका आ गया ना, तो ये आपका क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम, ये है ना आपका, ये आपका हो गया फेवरेबल आउटकम। ओके, देख लीजिए फेवरेबल आउटकम कम से कम मतलब क्या होता है, जो इवेंट पूछा है उसी का वैल्यू, उसी का आंसर, वही होता है आपका फेवरेबल आउटकम। ओके, क्या होता है फेवरेबल आउटकम। तो ये चीजें क्या हो गया, ये आपका थोड़ा सा पूरा बेसिक था क्लास टेंथ का, जो इलेवंथ में हम लोग सीखने वाले हैं, सॉरी ट्वेल्थ में, जो भी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 7 से 12 का है उसमें जो सीखने वाले हैं उसका अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये नॉर्मल बेसिक चीजें है 10th और 11th की। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग क्या करते हैं अभी स्टार्ट करते हैं। आए दोस्तों, अब देखते हैं जो आपके एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 में लगने वाले बेसिक्स कौन कौन से हैं। देखिए फर्स्ट आता है रैंडम वेरिएबल। ओके, और रैंडम वेरिएबल के फिर टाइप्स आते हैं, देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। फर्स्ट आता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सेकंड आता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, फिर थर्ड आता है क्या है आपका पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, फिर आता है सीडीएफ, सीडीएफ मींस क्या होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फिर आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, फिर आता है वेरियंस ऑफ डिस्क्रीट फंक्शन, फिर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर आता है पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये आपका 7.2 में यूज होने वाला है। ओके, तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट आपका रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल वो होता है जो आपको सिंपल स्पेस पे दिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 2 कॉइंस और टॉस। कॉइंस आर टॉस। ओके, फिर इसमें जो आपका सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू, ये हमको इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा, एच 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 टी टी एच और टी, ये आपका सिंपल स्पेस। जो यहां पे सिंपल स्पेस पे आते हैं हा? वो आपका क्या होता है, रैंडम वेरिएबल। ओके, जो भी आपका सिंपल स्पेस से वैल्यूज आते हैं, कॉइन को टॉस किया तो ऐसा आएगा, अगर मैंने किसी डाइस को थ्रो किया, वन डाई को थ्रो किया तो 1 to 6 आ सकते हैं। ओके, या तो 1 to नंबर ले लो, नेचुरल नंबर 1 to 10 तक ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो कुछ भी हो सकता है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। There are two types of random variable. First क्या है? First है आपका discrete random variable. Discrete random variable वो होता है जो क्या होता है, countable होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, easily count कर सकते हैं। For example, number of boys in 12th standard student, number of girls in 12th standard student, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, count कर सकते हैं ना, हाँ भाई 20 student है, sorry 20 boys है और 30 girls है, ऐसा बता दिए। ओके, तो उसको हम लोग क्या कर रहा है, काउंट कर पा रहे हैं, जिसको काउंट कर पा रहे हो क्या होता है, आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, फिर आते हैं कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली काउंट नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, हाइट ऑफ द स्टूडेंट, हाइट ऑफ द ट्री, इसमें क्या होता है, मेजर पॉइंट्स में आते हैं ना। अभी मैं इसी का हाइट ले लूं, ये मैं रखकर का, तो कुछ 6 इंच समथिंग 3 3 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो कहता है अनकाउंटेबल। ओके, ये आपको ध्यान रखना। देखिए जो डिस्क्रीट होता है क्या होता है, काउंटेबल। एग्जांपल के तौर पे क्या ले सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज इन 12th स्टैंडर्ड। ओके, और यहाँ पे अनकाउंटेबल हो गया रैंडम, कौन सा है, कंटिन्यूस में, हाइट, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो पॉइंट्स में बहुत लोग आता है। ओके, पॉइंट्स में आता ना, 5 पॉइंट समथिंग 5.6 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग, ये सब पॉइंट्स में है। ओके, तो ध्यान देखिए रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जो भी आपका सिंपल स्पेस पे आउटकम आता है वो आपका रैंडम वेरिएबल हो गया। फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। फर्स्ट आता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली काउंट कर सकते हैं।
और फिर आता है सेकेंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, ओके वो आपको पॉइंट्स में दे सकता है। एग्जांपल के तौर पे हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट ले लो, तो हाइट्स ऑफ द ट्री ले लो, तो कुछ और इस टाइप पे ले सकते हो। फिर आता है पीएमएफ। पीएमएफ इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। देखिए पीएमएफ में आपको बताता हूँ, नॉर्मल पीएमएफ क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी आपका रहता है पी आई, ओके इसको समीशन करने पर आई इज इक्वल टू वन टू एन तक जाएगा। समीशन करने में कितना आना चाहिए आपका, वन आना चाहिए। और यहाँ पे एक और कंडीशन क्या होता है, जो आपका पी आई रहता है ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ओके ये इसके लिए बताना पी एम एफ के लिए। इसमें क्या रहता है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो क्या है आपका पी एम एफ है, अदरवाइज नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या रहता है, जो भी वैल्यू दिया है सब जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन सबको सम करने पर वन आना चाहिए, ओके चलो इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, टू कॉइन्स का टॉस ले लिया है। अब मैं क्या करता हूँ इसका ए निकाल लेता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे एक्स आई क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे एक इवेंट लेता हूँ मैं, नंबर ऑफ टेल्स। ये क्या आता है, ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स। तो देखिए टेल्स आने के चांसेस कितने हैं, यहाँ पे एक भी टेल्स नहीं है, यानी कि पहला तो जीरो चांसेस है। यहाँ पे एक टेल है यानी वन है, यहाँ पे भी एक टेल है यानी यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे कितना है दो है। तो यानी कि जो नंबर ऑफ टेल आने के चांसेस कितने हैं, जीरो वन और टू। देखिए यहाँ पे वन टाइम से, देखिए यहाँ पे जीरो टाइम से, हाँ फर्स्ट दोनों एच एच है तो टी नहीं है तो टी जीरो हो गया। यहाँ पे दोनों में एक एक है तो टी भी एक टाइम भी टी आ सकता है, यहाँ पे दो टी है, ओके ये आपका क्या हो गया, ये एक्स हो गया। इसको मैं एक्स ऐसा पूछ करता हूँ। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। देखिए जीरो टाइम्स आने के चांसेस कितने हैं, एक है ना, तो क्या करना है वन टाइम चांसेस है और टोटल कितना है वन टू थ्री फोर, फोर से डिवाइड कर दो। फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल जो भी दे रहा है, टोटल सैंपल स्पेस में जो भी नंबर रहता है, ओके ये होता है। अब यहाँ पे दूसरे में क्या देखें, एक और दो है तो टू अपॉन में फोर लिख लीजिए। फिर यहाँ पे कितना है वन है तो वन बाय फोर, वन बाय फोर। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाता हूँ, ये मैं एक बनाता हूं ऐसा ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझे। देखिए यहाँ पे क्या रहा है, वन बाय फोर आ रहा है, यहाँ पे टू बाय फोर आ रहा है, यहाँ पे वन बाय फोर आ रहा है, ओके इस तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। ओके देख लीजिए मैंने क्या किया है, ये आपका सिंपल स्पेस है, उसमें मैंने क्या नंबर ऑफ टेल्स आने के चांसेस मैंने बताया। तो टेल आने के चांसेस कितने हैं, फर्स्ट तो जीरो चांसेस, यहाँ पे टेल है ही नहीं, यहाँ पे वन वन है तो वन टाइम्स भी टेल आ सकता है, यहाँ पे दो दो टेल है यानी टू टाइम्स भी टेल आ सकता है। फिर उसके चांसेस कितने, प्रोबेबिलिटी कितना है, तो देखिए यहाँ पे वन है तो वन बाय फोर हो गया, टू है तो टू बाय फोर हो गया, वन है तो वन बाय फोर हो गया, ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल गया। ओके अब हमको क्या निकालना है, अब हमको चेक करना है कि पीएमएफ है या नहीं। ओके तो पीएमएफ है या नहीं चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन, वन से कहां तक है देखो वन टू थ्री तक, तो ऊपर हम लोग थ्री लेंगे। ओके यहाँ पे क्या देगा, पी आई इज इक्वल टू, पहला प्लस करेंगे वन बाय फोर प्लस टू बाय फोर प्लस वन बाय फोर, ओके अब ऐड कर देते हैं फोर, तो देखो सेम है तो उसको वन टाइम लिख लेंगे, तो वन और वन टू, टू और टू फोर, फोर और फोर कैंसिल, वन आ रहा है, कितना आ रहा है वन आ रहा है। समीशन ऑफ पी आई, यहाँ पे आई इज इक्वल टू वन टू थ्री, इसका वैल्यू वन आ रहा है तो बोल देंगे दी गिवेन गिवेन फंक्शन is PMF. अगर ये वन नहीं आता तो the given function is not a PMF. Okay? ये इस तरीके से आपको करना है. Okay? और एक और बता दो, जो भी probability है, हाँ probability में जितने भी answer आएंगे जीरो से greater होंगे और वन से less, इनके बीच में ही होंगे. Okay? इनके बीच में होंगे, वन से less than equal to होंगे, इनके बीच में होंगे, इनसे ज्यादा नहीं आएगा ना ही इनसे कम आएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगर जो वन से ज्यादा आ रहा है प्रोबेबिलिटी में आपका आंसर, तो समझो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। ओके ये आपको चेक करना है, आपको हमेशा आंसर जीरो और वन के बीच में आने वाले हैं प्रोबेबिलिटी जब भी सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो गया आपका पीएमएफ का, जो देख लीजिए मैंने छोटा सा एग्जाम्पल एक आपको बताया है कि पीएमएफ क्या होता है, कि आपका जो प्रोबेबिलिटी रहता है उनको सबको समीशन करने पर अगर वन आ रहा है तो द गिवन प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो क्या रहेगा, पीएमएफ रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ओके ये आपका इसके ऊपर एक एग्जांपल हो गया, इसका काम हो गया। ओके अब देखना हमको सीडीएफ,
क्या देखना है, सी डी एफ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी डी एफ। तो सी डी एफ भी कुछ सेमिंग होता है, जिसमें कि आपने टेंथ में देखा था ऐसा कुछ था, एक्स आई और एफ आई रहता था, कुछ ऐसा रहता था, 4, 6, 7, 8 रह गया एफ आई, और एफ आई को मैं लेता हूँ 2, 4, 6, 8 ले लिया। ओके, तो हमको क्या निकालना पड़ता था, लेस देन सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, हम लोग टेंथ में सी एफ निकालते थे स्टैटिक्स में, चैप्टर नंबर 6 स्टैटिक्स अल्जेब्रा। ओके, तो सी एफ निकालने का फंडा क्या था, पहला तो सेम लिखते थे 2, फिर सेकंड वाले में ऐड करेंगे तो इसको मिलता 4 और 2, 6 होता है, इसको इसमें ऐड करो 6, 6, 12, इसको इसमें ऐड करो 12, 8, 20। ओके, और इसका टोटल भी क्या होता है, 20 होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते थे, सी एफ निकालते थे, इस तरीके से सी एफ निकालते थे। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो सी डी एफ है वो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से निकालेंगे, एकदम सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ये आपने टेंथ में किया था कि हमको जब सी एफ निकालना था लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्या करते थे, फर्स्ट वाला सेम लिखते थे, सेकंड वाले में प्लस करते, फर्स्ट वाले को सेकंड वाला मिलता था, फिर उसको थर्ड वाले में प्लस करते, थर्ड वाला मिलता था, फोर्थ वाले में तो फोर्थ वाला मिलता था। ओके, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी तरीके से हम लोग सी डी एफ देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक और कॉलम बनाता हूँ छोटा सा, यहाँ पे मैं एक और कॉलम बनाता हूँ, ओके, सी डी एफ के लिए, सी डी एफ के लिए। तो इसमें पहला क्या रहता है, सेम रहता है, पहला आपका क्या रहा, 1/4 सेम रहेगा, फिर इसको इसमें प्लस करना, इसको इसमें प्लस करना, देखिए 1/4 + 2/4 कितना आता है, ये 3 हो जाएगा ना, 4 नीचे सेम ऊपर का जाएगा 3, तो जाएगा 3/4। ओके, 3/4, अभी इनको इसमें प्लस करो, तो नीचे देखिए 3/4 है प्लस का 1/4 है, 4/4 सेम है, 3/1 4, ये हो गया 4/4, इसको 1 भी लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे देखो ये तो 4/4 आया तो यहाँ पे 1 आ गया। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि 1 ही आए, पॉइंट्स में भी आ सकता है। ओके, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। ओके, 1 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके, ऐसे नहीं कि इस क्वेश्चन में 1 है तो आपको हमेशा 1 आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। बट ये ध्यान रखना है कि सीडीएफ कैसे निकालना है, कि फर्स्ट यहां तक तो सेम करना है आपका, फिर फर्स्ट वाला क्या करना, सेम लिखना है, फिर इसको सेकंड वाले में प्लस करना तो ये मिलेगा आपको, इसको यहाँ पे प्लस करना तो ये वाला मिलेगा। ओके, इस तरीके से हमको सीडीएफ निकालना है। ओके, तो ये देख लीजिए क्या हो गया आपका, ये हो गया है एक एक्सरसाइज, एक एग्जांपल किसके, पीएमएफ के ऊपर और एक सीडीएफ के ऊपर। ओके, तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बच्चे भी हम लोग तीनों जो ये फॉर्मूले से इसको हम लोग देखते हैं। ओके, आए दोस्तों अब देखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो देखिए मैंने सेम एग्जाम्पल रखा है, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, आपका एक्स आई रहेगा। ओके, एक्स आई फिर पी आई। ओके, देखिए हमारा एक्स आई क्या था, नंबर ऑफ हेड ना, तो 0 चांसेस थे, 1 चांसेस थे, 2 इसमें क्या था, 1/4 था, 2/4 था, यहाँ पे भी 1/4 था। ओके, ये हो गया, इतना हमने ऑलरेडी निकाल कर रखा था। अब देखिए जो इसका फॉर्मूला क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू का, इसको ऐसा भी लिखते हैं, e ऑफ x इज इक्वल टू समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n तक एक्स आई और पी आई। इसका फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n तक जाएगा एक्स आई पी आई। देखिए हमारा x और पी आई दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे एक और बना लेते हैं, दैट इज एक्स आई और पी आई, तो मैं मस्त इधर खींच लेता हूँ लाइन। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करो तो 2/4 ही रहने वाला है, इनका मल्टीप्लाई करो तो 2/4 हो गया। ओके, अब इनका समीशन करो, ये क्या हो जाएगा, इनका समीशन में नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे समीशन वाला एक टोटल का टोटल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/4 + 2/4 तो कितना होता है 4, ऊपर 2 + 4 कैंसल, 1 आ रहा है, यहाँ पे कितना रहा आपका 1 आ रहा है। ओके, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो यही आपका क्या हो गया समीशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई पी आई इज इक्वल टू कितना आपका 1 आ रहा है। ये आपका क्या है फॉर्मूला है किसका, एक्सपेक्टेड वैल्यू का। ओके, क्या है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है, समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई इंटू पी आई। आपने जो भी ये एक्स आई निकाला दोनों और पी आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो भी आएगा इनको सबको ऐड करेंगे, ऐड करने पर जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा वही आपका क्या रहेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, अब आते हैं सेकंड वन किसके ऊपर, वेरिएंस के ऊपर। तो वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू का ऐसे भी कर सकते हैं, वी ए आर ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई माइनस समीशन ऑफ
एक्स आई पी आई पूरे का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे रहेगा आई इक्वल टू वन टू एन, आई इक्वल टू वन टू एन। अब देखिए यहाँ पे मैं वन टू एन इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो वन टू थ्री नंबर से मे बी फोर हो सकते हैं, फाइव हो सकते हैं, सिक्स हो सकते हैं, ओके सेवन एट नाइन टेन कितना भी हो सकते हैं। इसके लिए एक बोलते ना कि एक जनरल फॉर्मूला जैसा है, ओके इस तरीके से रहता है। तो इसका फॉर्मूला ये है, ओके देखिए ये चीज तो है जो हमने ऑलरेडी निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स आई का स्क्वायर और पी आई चाहिए। तो एक्स आई का स्क्वायर निकालना, तो यहाँ पे चलो एक और कॉलम बनाते हैं, एक्स आई का स्क्वायर। तो एक्स आई क्या हमारा यहाँ पे जीरो का स्क्वायर, जीरो। फिर आता वन का स्क्वायर, वन। टू का स्क्वायर, फोर। ओके ये हो गया। अब क्या करना है, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी करना है, इसका मल्टीप्लाई कहाँ करना है, पी के साथ। ओके तो यहाँ पे भी एक और बनाता हूँ, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई जीरो के साथ जीरो, वन के साथ टू बाय फोर, फोर के साथ यही है ना, इनका मल्टीप्लाई फोर के साथ करो तो फोर बाय फोर, यानी कितना आ रहा है आपका, वन आ रहा है। ओके इनका समीशन निकालेंगे, इनका समीशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बाय फोर प्लस का वन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो टू फोर वन जा फोर अपॉन में फोर, तो सिक्स बाय फोर, यानी कि टू टू थ्री जा और टू टू जा इतना आ रहा है। इसको क्या करूँगा, कट कर दूँ तो कितना जा, जीरो पॉइंट टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू, ये हो जाए वन पॉइंट फाइव आ रहा है। ओके यहाँ पे क्या रहा आपका, चाहे तो थ्री बाय टू लिखिए और या तो इजिकल टू वन पॉइंट फाइव लिखिए। ये आपका रहा किसका, समीशन ऑफ एक्स आई पी आई। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या है आपका फॉर्मूला, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस समीशन ऑफ एक्स आई पी आई पूरे का होल स्क्वायर। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। ओके तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया, अब इसका वैल्यू रख देते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है वन, इसका वैल्यू हमने कितना निकाला है, थ्री बाय टू, थ्री बाय टू माइनस यहाँ पे कितना रहा, वन, वन का स्क्वायर करूंगा तो वन ही आने वाला है, तो थ्री बाय टू माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, थ्री बाय टू माइनस वन तो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस टू अपॉन में टू, तो वन बाय टू आ रहा है। यहाँ पे कितना रहा आपका, दैट इज वन बाय टू, इसको सॉल्व करो कितना जीरो पॉइंट फाइव, तो ये आपका आ रहा है आंसर, यानी कि वेरियंस ऑफ एक्स कितना रहा, वेरियंस ऑफ एक्स कितना रहा आपका, जीरो पॉइंट फाइव आ रहा है। तो देखिए वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे ईजी फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसा लिखते हैं एस डी, या तो इसको ऐसा भी लिखते हैं सिग्मा, और इसको एक चीज और लिखते हैं वेरियंस ऑफ एक्स को, आप चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये भी इसे लिखते हैं वेरियंस ऑफ एक्स को, ऐसा लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू वेरियंस इसका सिग्मा का स्क्वायर, या ऐसा भी इसको भी लिख सकता, दोनों का मतलब होता है वेरियंस ऑफ एक्स ही होता है। हा? तो ये क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इसको बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में वेरियंस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर वेरियंस ऑफ एक्स ही बोला फाइंड करना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट में ले लूंगा 0.5, यही आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ओके ये इस तरीके से करना है। फिर आता है आपका एक लास्ट जो 7.2 में यूज होने वाला है, दैट इज पीडीएफ। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, जो आपने ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं, उतना हार्ड वाला इंटीग्रेशन नहीं है, आपको सिर्फ लिमिट लगाना आना चाहिए। नॉर्मल इंटीग्रेशन आपने देखा ना, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल से इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, ऐसा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स वन टू टू। ओके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में टू पूरे का पावर में क्या हो जाएगा, वन टू टू, तो वन बाय टू को बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वन टू टू, तो वन बाय टू को ऐसे रखेंगे, टू का स्क्वायर फोर माइनस वन, तो कितना हो गया वन बाय टू, यहाँ पे हो गया थ्री, यानी कि थ्री बाय टू, यानी कि वन पॉइंट फाइव आएगा इसको सॉल्व करने पर। तो बस ये छोटा वाला आना चाहिए नॉर्मल बाय इंटीग्रेशन, जो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखा है ये आना चाहिए, यहाँ इंटीग्रेट करके क्या करना है हमको, यहाँ पे लिमिट लाना है और उसको चेक करना है। ओके ये आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं 7.2 आराम से इजीली कर सकते हैं, वो बहुत इजी है। फर्स्ट था क्वेश्चन किसमें, 7.1 में, क्यों, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, बट अगर जो आपको ये सब फॉर्मूले याद है जो मैंने अभी ये दिखाया है, देख लीजिए, एक तो आपका ये क्वेश्चन है कि चेक करो कि जो गिवन गिवन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज द पीएमएफ और नॉट, तो कैसे करना आपको पता है, मैंने बताया एक एग्जांपल थ्रू। फिर सीडीएफ क्या होता है, सेम जो भी आपका आया है एपी, इसको क्या करो पहले सेम लिखो, फिर ऐड करके, फिर ऐड करके, फिर ऐड करके निकाल लो, आपका सीडीएफ आ गया, जिसे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, सेम उसी पैटर्न में, ये हो गया। फिर उसका रहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर्मूला क्या है,
समीशन ऑफ एक्स आई पी आई और आई इजल टू वन टू एन तक रहेगा। मीन्स यहाँ पे देखो वन टू थ्री है तो ऊपर आप थ्री लिखेंगे, यहाँ पे फोर है तो ऊपर फोर लिखेंगे, सिक्स रहे सिक्स सेवन एट जो भी रहेगा उसके हिसाब से हम उसको क्या अरेंज करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया। फिर सेकेंड आता है वेरियंस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। ओके, तो वेरियंस ऑफ एक्स को हम लोग सिग्मा का स्क्वायर या तो वी ए आर ब्रैकेट में एक्स लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई का स्क्वायर पी आई माइनस समीशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई पी आई पूरे का होल स्क्वायर। देखिए ये पूरे का स्क्वायर है, ये पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ एक्स का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना। फिर इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या होता है वेरियंस ऑफ एक्स क्या करो अंडर रूट में ले लो, वेरियंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये इस तरीके से करना, ये पूरा बेसिक हो गया, ये आपका यहां से लेकर यहां तक 7.1 के लिए, ये आपका लास्ट में इंटीग्रेशन होगा 7.2 के लिए। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है कि हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालना है, वेरियंस ऑफ एक्स कैसे निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है। ओके, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको क्या मिलने वाले, टेस्ट बुक 7.1 में मिलने वाले। ओके, तो अगर आप इसको सही से देख लेंगे समझ लेंगे तो आपका जो 7.1 का एक्सरसाइज 16 क्वेश्चन है आपको बहुत ही आराम से इजी से कर ले जाएंगे। ओके, तो आप इसको एकदम अच्छे से देखिए समझिए और ये देखने के बाद आपको क्या करना, एक बार टेस्ट बुक को जरूर रीड कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि इसको अगर देखने के बाद अगर टेस्ट बुक आप रीड करते हैं ना तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया, तो आज के लिए मैं इतना स्टॉप करता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, आज के पूरा हमने बेसिक देख लिया है, अब जो मैं कल नेक्स्ट लेक्चर लूंगा उसमें मैं क्या करूंगा, जितने भी क्वेश्चन है 7.1 में ट्राई करूंगा हाफ ऑफ करके दो दो लेक्चर में फिनिश कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।